अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ये क्रिस्टल मटेरियल ईवी रेंडर इंजन में बनाना सिखाऊंगा। अब ईवी रेंडर इंजन का सबको मसला पता तो होगा कि वो जो ब्लूम है उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर सकता, तो उसके लिए लूप होल है। क्रिस्टल मटेरियल बहुत सिंपल है, लेकिन उसके मटेरियल हमें सिंपल है, लेकिन उसके बदले में हमें ज्योमेट्री ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप ब्लूम ऑन कर लें, स्क्रीन से रिफ्रैक्शन ऑन कर लें और एम्बिएंट इक्लूजन ऑन कर लें। उसके बाद जो डिफॉल्ट क्यूब है उसे स्केल करें जेड एक्सिस के ऊपर, एस जेड से टैप करके एडिट मोड में चले जाएं, फेस सेलेक्ट मोड में जाएं, ऊपर वाले फेस क्लिक करें ई जेड वन और फिर वर्टिसेस मर्ज वर्टिसेस एट सेंटर, फिर नीचे वाले के ई जेड लेकिन इस बार माइनस वन और फिर से वर्टिसेस मर्ज वर्टिसेस एट सेंटर, फिर राइट क्लिक करें और सब डिवाइड कर दें, सेलेक्ट ऑल करें, फिर राइट क्लिक करें और फिर सब डिवाइड कर दें इसे। फिर मॉडिफायर्स में हम लोग जाते हैं, ऐड मॉडिफायर, सब डिवीजन सरफेस को सिर्फ एक लेवल के ऊपर करें और अप्लाई कर दें, यहाँ पे जाते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग और मॉडिफायर इस्तेमाल करेंगे, डेसीमेट होगा 0.7 क्लिक करें और ट्राइंगुलर को क्लिक करके अप्लाई कर दें। अब ये ट्राइंगल टाइप से शेप बन गई है। फिर अलग अलग से रैंडम वर्टिसेस को क्लिक करें, उन्हें ग्रैब करके यूँ हिलाते जाएँ, क्योंकि मैंने कहा था एक अफसर जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता होगा मटीरियल, क्योंकि नोट्स काफी सिंपल हैं। उसके बाद फिर हम लोग ऐड मॉडिफायर फिर से करते हैं और इस पर डिस्प्लेस मॉडिफायर होगा, स्ट्रेंथ उसकी 0.6 कर दें और टेक्सचर में चल जाएं और न्यू को क्लिक करें। इस पर हम लोग चूज करेंगे वरोंगा और इसे अप्लाई कर दें। फिर एक और बार मॉडिफाई करेंगे, इस पर फिर से डिस्प्लेस करेंगे, न्यू टेक्सचर स्ट्रेंथ फिर से 0.6 ही होगी लेकिन इस बार नॉइस टेक्सचर होगा। तो देखिए जीप सी ज्योमेट्री में क्रिस्टल टाइप से मिल गई है, सिंपल क्रिस्टल वाली ज्योमेट्री नहीं काम करेगी, ये याद रखिएगा। तो इसके बाद अब जो मटेरियल है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मटेरियल मैं आपको दिखाता हूँ, शेड राइटर में चल जाते हैं। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल है, मटेरियल आउटपुट के साथ एक मिक्स शेडर जिसके अंदर फैक्टर 0.9 है, उसके साथ दो शू शेडर्स लगे हुए, ग्लास BSCF है, बैकमैन कलर ये रेडिश टाइप से, आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी अपने से कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा जो दो कलर आपने चूज करते हैं, एक उसका लाइट वर्जन जिसे ओरिजिन तीनों में किया हुआ है और एक उसका थोड़ा डार्क वर्जन। तो ग्लास की जो रफनेस है वो बिल्कुल जीरो, IQR 0.3 और फिर जो मिक्सचर के साथ एक और मिक्सचर ज्वाइन है, उस मिक्सचर के साथ एक ट्रांसलूसेंट BSCF है, उसका कलर सेम है पाकिस्तान के साथ, और उसके साथ एक और प्रिंसिपल BSCF है, लेकिन इस बार इसका रेशियो 0.5 है मिक्सचर का, जो इसके अंदर सब सर्फ है 0.195 का कलर, बाकी थोड़ा डार्क है, मेटेलिक 0.1 है, बाकी सब कुछ 0 है, क्लियर कोट 1 है, क्लियर कोट रफनेस 0 है, IQR 1.33, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख के रखिएगा, और ट्रांसमिशन रफनेस 0 है, ट्रांसमिशन फुल है। तो अभी फिनिश नहीं हुआ मटेरियल, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उसका ब्लेंड मोड है अल्फा ब्लेंड, अल्फा ब्लेंड में अभी जो मैं दिखाऊंगा आपको दिखाता हूँ इफेक्ट क्या होता है, और शेडो मोड आपकी अपनी मर्जी, अल्फा क्लिप रखना नहीं रखना क्योंकि मैंने बस अपने से रख लिया था, लेकिन जो ब्लेंड मोड है वो अल्फा ब्लेंड करेंगे। और उसके बाद मैं आपको रेंडर्ड व्यू में दिखाता हूँ, ये देखिए अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी भी जो लूप होल है अभी हमने वो ऐड करना है। फ्रंट व्यू पर चले जाते हैं, टॉप व्यू पर जाते हैं, लाइट को क्लिक करें, ग्रैब करें इसे और इसे हम लोग लाइट को क्रिस्टल के अंदर इम्बेड कर देते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या मतलब, मुझे लाइट को भी क्रिस्टल को भी मूव करना पड़ेगा, तो खतरी कर रहे हैं कि शिफ्ट अभी लाइट सेलेक्ट हुई है, उसके बाद शिफ्ट करके क्लिस्टर को क्लिक करें, फिर कंट्रोल पी दबाएं, पैन टू ऑब्जेक्ट कर दें, तो अब जहाँ पे भी आप क्रिस्टल को घुमाएंगे वहाँ पे लाइट भी जाएगी, तो उसका आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका कोई यूनिक पॉइंट ये मटेरियल का, बाकी सारे नोट शेडिंग वही आपके सामने है, लेकिन ब्लेंड मोड अगर मैं अल्फा ब्लेंड से अल्फा क्लिप कर देता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। ये देखिए बेसिकली आपको एक नोट शेड के साथ उसकी बस एक सेटिंग चेंज करने से आपको उल्टा दो मटेरियल्स मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, किसी दोस्त को बताएं जो सीखना चाहता है। मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा, अगले हफ्ते फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।